नमस्कार, मैं हूँ गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर वन न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। यूनिवर्सिटी मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर बनेगा। मध्य प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटी में 500 कंप्यूटर वाली मॉडर्न लैब तैयार की जाएगी। ये लैब 24 घंटे सातों दिन स्टूडेंट्स को उपलब्ध रहेगी। विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार से कहा है कि आईटी के बढ़ते प्रयोग को देखते हुए सभी विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार बैठक कर यूनिवर्सिटी मॉनिटरिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए अपनी कार्य योजना पेश करेंगे। भोपाल में मंत्री और विधायकों का घेराव करेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। राजधानी भोपाल सहित मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में बच्चियों महिलाओं के साथ हो रही दुष्कर्म, उत्पीड़न और हत्या की घटनाओं के विरोध में कांग्रेस बेटी बचाओ अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत आज कांग्रेस के नेता प्रदेश भर में मंत्रियों और विधायकों का घेराव कर उन्हें ज्ञापन दे रहे हैं। एक साल में तीसरी बार होगी नर्सिंग परीक्षा, अब सत्र 2022-23 के छात्रों को मौका। नर्सिंग के पिछड़े सत्र को पटरी पर लाने के लिए मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय इस वर्ष तीसरी बार संबंधित निकाय की मुख्य परीक्षा कराएगा। सत्र 2020-21 और 21-22 के बाद अब सत्र 2022-23 की परीक्षा होगी। ये सभी परीक्षाएं नर्सिंग प्रथम वर्ष की हैं। नर्सिंग कॉलेजेस के फर्जीवाड़े की जांच और कार्यवाही में ये परीक्षाएं अटकी हुई थी। इंदौर में चलेगी केबल कार, 2.5 किलोमीटर रूट बनाने में खर्च होंगे 250 करोड़। इंदौर शहर में मेट्रो का निर्माण कार्य जारी है और गांधीनगर से रोबोट चौराहे तक कॉरिडोर बनाया जा चुका है। इस बीच शहर में केबल कार चलाने का प्रारंभिक सर्वे का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया। प्रारंभिक सर्वे में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र को कवर कर 7 रूट बनाए गए हैं। ये रूट 60.12 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेंगे। इंदौर में 4 चौराहों पर राह होगी आसान, मुख्यमंत्री आज शहर को सौंपेंगे फ्लाईओवर। स्वच्छता में अव्वल इंदौर में यातायात सुगमता की पहल करते हुए विभिन्न चौराहों पर फ्लाईओवर का निर्माण कराया जा रहा है। शहर के 4 चौराहों फूटीकोठी, भवरकुआ, खजराना, लवकुश पर फ्लाईओवर तैयार हो चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को इन फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे। बुधनी विजयपुर उपचुनाव के उम्मीदवारों पर मंथन, बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक जारी। मध्य प्रदेश के 2 विधानसभा सीटों बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव होना है। इन दोनों सीटों पर चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले उम्मीदवारों के नामों पर तेजी से मंथन हो रहा है। भोपाल में बीजेपी ऑफिस में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हो रही है। वहीं बुधनी सीट पर आज कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम के लिए 2 ब्लॉक में कार्यकर्ताओं की बैठक होगी। कोनो नेशनल पार्क में अब खुलकर जिएंगे चीते, बड़े बाड़े से 2-2 करके छोड़े जाएंगे। देश में चीतों की धरती कोनो नेशनल पार्क में अब चीते खुलकर जिएंगे। उन्हें बाड़े से खुले जंगल में छोड़े जाने की स्वीकृति चीता स्टीयरिंग कमेटी से मिल गई है। 2-2 की संख्या में चीतों को छोड़ा जाएगा। इसके बाद स्थिति को देखते हुए अन्य चीतों और शावकों को भी खुले जंगल में छोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश में जहां काम नहीं आ रही मशीन्स, वहां से लेकर जरूरतमंद अस्पताल को सौंपी जाएंगी। मध्य प्रदेश के कई सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस में ऐसी सैकड़ों मशीनें हैं जिनका उपयोग नहीं किया जा रहा। इस स्थिति को देखते हुए अब प्रदेश भर के अस्पतालों में ऐसी मशीनों का युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। यानी उद्देश्य ये है कि जिन अस्पतालों में इनकी जरूरत है वहां स्थानांतरित किया जाएगा। दिवाली से पहले कर्मचारी पेंशनर्स को मिलेगा गिफ्ट। एक तरफ केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस का ऐलान कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी पेंशनर्स को डीए वृद्धि का इंतजार है। पहले खबर आई थी कि 3 या 9 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में डीए की घोषणा हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब उम्मीद है कि 16 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में डीए का प्रस्ताव आ सकता है। अब झाबुआ में 168 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त, कांग्रेस विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने उठाए सवाल। मध्य प्रदेश को माफिया का प्रदेश कहने का आरोप लगाने वाली कांग्रेस की बातों को एक बार फिर से बल मिला है। भोपाल में 1814 करोड़ रुपए का एमडी ड्रग्स मिलने के बाद अब झाबुआ में एक फैक्ट्री से 168 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स मिली, जिसके बाद से कांग्रेस प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमलावर है। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।